अस्सलाम वालेकुम। रन रेडी हो गई है नमाज के लिए। हम जोहर पढ़ेंगे। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आंटी कर रहे क्लीनिंग। यस। अब रन ने चेंज कर लिया नमाज पढ़ के। रमज़ान में हरी चटनी मतलब सब कुछ अधूरा है। ये कैरियाँ काट ली है। ये कुछ फीकी हरी मिर्चें और साथ ही है ये तेज हरी मिर्चें। कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, साथ ही इसमें जाएगा सॉल्ट और साथ ही जाएगा चटनी मसाला। तो ये रेडी हो गई है हरी चटनी जिसका स्वाद बहुत मज़ेदार होता है। तो अब इसे डाल लेंगे इस वाले बॉक्स में। वैन अभी रो रही है क्योंकि उसे गिरीश और अल्तमश भाई के साथ बाहर जाना था और मैंने उन्हें बाहर किसी काम से भेजा है और उसे हो रहा है कि मुझे लेके चलो। तो मैंने हरी चटनी बना के रू अफ़ज़ा भी बना लिया है और मलाईदार लस्सी बना ली है। लक्की को लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैंगो शेक जो घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी नमाज हो गई है। रैन की बहुत प्यारी नमाज हुई है और हम जा रहे हैं ऊपर ऊपर की क्लीनिंग करवाने। आ जाओ आंटी, आ जाओ, क्योंकि आज हमारा ज्यादा टाइम ऊपर जाएगा। आज हमने लकी के मेरे कुछ और कपड़े निकालने हैं हमने जो हमको देने हैं। ऊपर नीचे चढ़ने से ना मुंह सूखता है। अब इसको नाटक आ रहे हैं क्योंकि गिरीश भी आए बाहर और इसको हो रहा है कि मैं साथ में जाऊंगा। तो अब मैं फ्रेंड को अपने साथ लेके जा रही हूँ। ठीक है नहीं हम जो तो लकी कर रहे हैं तिलावत और ऑलमोस्ट किचन की जो प्रिपरेशन है वो रेडी है। माशाल्लाह एक अलग ही मतलब ना फ्रेशनेस लगती है रोज़ा रखकर। और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं बताइएगा, आपके रूटीन कैसे चल रहे हैं रमज़ान के कमेंट्स में शेयर कीजिए। अल्तमश एग्जाम ओवर है? मज़े मज़े अल्तमश। बस रिजल्ट आ जाएगा पास का। रिजल्ट तो आएगा ना पास का, वरना फिर बैंड की बैंड में अस्सलाम वालेकुम। अरे अल्लाह क्यों मारा उसको, तो जब क्यों मारा उसको भी। मेरी प्यारी सी परी को मारा मेरे भाई ने। मैं जानू को मां साइज मेरी बहुत प्यारी बेटी है और ये मेरा बहुत प्यारा बेटा है। ये भी जान का टुकड़ा है मेरे, तो मारते रहे इतना करता है ये मेरा, पता है सब कुछ ये, पता है मेरा दर्द मेरे फेस पे पड़ लेता है। तो ये बात अलग है कि ये मस्तीखोर बहुत ज्यादा है। ये मस्ती खोर ना बहुत ज्यादा है। आज मेरा बेटा इतना खुश है, आज इसके एग्जाम खत्म हो गए गाइस, वेकेशन स्टार्ट हो गए, रिजल्ट आने दो। लेकिन दिस ईयर नो वेकेशन गाइस, उसका एक्टिंग क्लासेस भी स्टार्ट है। नहीं वो तो अच्छा है ना। हां वो तो अच्छा है, देखा उसमें इंटरेस्ट है उसको, उसका पैशन एक्टिंग। वैसे आई नो ऐसे गंदू और गिरीश आ गया गाइज, उसके आने से मेरे बहुत सारे काम हल्के हुए हैं। इसने मेरी बहुत हेल्प करवाई है और लकी जब तक आए तब तक ऑलमोस्ट हमने सब कुछ पूरा कर लिया है। मिला क्यूटी पाई क्या देख रहा है पता नहीं, किस सोच में है तू रैन, किस सोच में हो तुम? बाहर जाना बाइक से। अच्छा अभी बम पे नहीं जाना है, अभी इफ्तार का वक्त हो जाएगा।
तो अभी असर मगरिब का वक्त है, सारी प्रिपरेशंस हैं, बस लास्ट का जो फ्राई वाला काम है वो अभी करेंगे और बड़ा ही सुकून है। अब मैं सूर्य बकर लगाऊंगी, सूर्य बकरा, अभी धूप बत्ती भी जला लेते हैं। हम पंजाब गए थे है ना, दिस ईयर नहीं लास्ट ईयर वाला, तो हम डेरा साहब गए थे, वहां से ये धूप लाई थी मैंने, तो ये मैंने दो लाई थी बस, अब ये थोड़ी सी बची है। मैं भी देख रहा है, इसे हिला दिया। अस्सलाम वालेकुम, अब शुरू हो गया हमारे रमजान, अब टुमारो से मैं भी रोजे रखूंगा इंशाल्लाह। आज अल्तमस का लास्ट एग्जाम था, आपको रमजान मुबारक। मी टू। मैं आज ही एक्चुअली मैं बाहर से आउट ऑफ था, मैं आउट ऑफ कंट्री थे, तुम अभी सच में मत कर, हां तो नहीं चिपकता बताओ, आउट ऑफ कंट्री था, सेकंड इफ्तारी में माशाल्लाह यहाँ कर रहा हूँ, और शहरी मैंने वाटर के साथ एयरपोर्ट पे किया था मॉर्निंग, फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे नहीं, फ्लाइट में शहरी हुई है लकी की, और इफ्तार घर पे, और कल लकी का इफ्तार शहरी शहरी होटल पर थी, और इफ्तार बाहर था, मस्जिद में नहीं किए थे ना, मस्जिद पहुंचे तक इफ्तार हो गई थी, तो वहाँ पे फिर ऐसा इफ्तारी भी अजीब ही हुई, अल्लाह का एहसान है, अच्छा जो भी अच्छा हुआ। यस बेटा, बेटा फुट्टा अंदर, तू आंखें दूर रख, ये जो जला ना, देखो पापा आ गए, वो देखो पापा, कौन कौन ये जला था लास्ट ईयर, मुझे रेडी करना है, मुझे मूंग चाट में लेमन काट के डालना है, और फ्रूट सैलेड में भी, और ये मेरा मिर्ची बेटा है, मिर्चू, बस अब हो गया, अब हो गया, ये देखो हमने यहाँ बढ़िया प्लेट्स लगा ली है गाइस, अभी सारी मोस्टली जो हमारी क्रॉकरीज हैं, और जो मैंने अभी न्यू बहुत सारी शॉपिंग करी है, न्यू बर्तन जो होते हैं, न्यू क्रॉकरीज जो होती हैं, अभी रमज़ान के लिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरीज बाई करी हैं, वो सारा कुछ हम जब न्यू घर पर जाके इफ्तार करेंगे तो वहाँ पर मैं जो है सब कुछ निकालूंगी। कभी यहाँ पर जो अभी भी यहाँ से भी मोस्टली सब कुछ जो है वो पैक हो गया है, जो अवेलेबल है बस वही सब निकाल निकाल के इफ्तार कर रहे हैं अभी हम। क्या ये मुझको नहीं पता है ना, बेसन के साथ डालना पड़ता होगा, बेसन के साथ नहीं, नहीं रेडी है वो, रेडी है अरे फ्रूट जितने खाना उतने करो, माशाल्लाह इफ्तार का वक्त बस होने वाला है तो मैं इफ्तार लगा रही हूँ अभी। होती है रोजादारों पे रहमत की बारिशें, टलती ही जाए कैसी भी हो आजमाइशें, जो सब्र सिखाती है वही प्यास है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास है। उस बारगाह पाक में झुकना नमाज में, यानी रुकू सजदा में रुकना नमाज में, बख्शिश के वसीले की तरह आस है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास।
अभी हमारे भाभी थके थके दिख रहे, आंखों में नींद दिख रही है, तभी भी उनकी चाहिए ये एक वीडियो बन जाए। भाई भी बड़े थके हुए आए हुए आज, मगर भाई वीडियो में लगे हुए है। पर ए उरेन गंदा मुंह में डाल दे, देखो हमारा उरेन अल्तमश भाई और हुरैन दोनों प्यार कर रहे हैं। ये देखो मस्ती कर रहे प्यार मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, फाइनली हम घर आ गए हैं और यही हुई है श्री। श्री आ गई और हुरैन भी आ गई। सुबह से हुरैन श्री के साथ थी और माशाल्लाह अब देखो डैडी रेस्ट कर रही। तो मैं आ गई हूँ और मैं सच बता रही हूँ, फर्स्ट रोज़ा हुआ, फर्स्ट रोज़े के बाद ना हमने इतने सारे कपड़े फर्नीचर सामान दिया, डोनेट भी किया। और अब मैं अपने सिर्फ जो ऐसे कपड़े थे ना कि मतलब जो सच में पहनती हूँ मैं, वो लेके आई हूँ। ख़त्म ही नहीं होगा, दूसरे रूम में भी है। तो मैंने इतना देने के बाद जो इतना सब था, और सबसे अच्छी बात कि लकी मुझे कुछ भी नहीं बोले। हाँ फेंक दो। तो हम पहुँच गए हैं और आज हमारा माशाल्लाह यहाँ पे फिफ्थ रोज़ा होगा। तो बस अब कंटिन्यू जो रोज़े हैं वो हमारे नए घर से हो गए, तो हमारे न्यू व्लॉग्स का वेट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।